ऑलराइट हे गाइस, आप सबका वेलकम है मेरे इस चैनल में। और आज मैं आपसे बात करूंगा कि ये तो कि एडिट्स भाई कि मैंने कैसे एडिट कर रखी है पूरी फ़ोटो, और जस्ट बहुत अच्छे से क्रिएट कर रखी है। और इसमें आप डिटेल्स देख सकते हैं कितनी हाई है, यहाँ कट मार्क है और यहाँ पे, और यहाँ तो कि एडिट्स का थोड़ा सा टैटू बनाया मैंने, और चेन ग्लो है, रिंग पे ग्लो है, और हाथ में, और यहाँ वॉच पे है। तो आप देख सकते हैं कितना डीप वर्क कर रखा है, और मैंने हेयर कटिंग बहुत अच्छे से कर रखी है इसमें, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपको ऐसी भी हेयर कटिंग सीखनी है तो आप नीचे ट्यूटोरियल है हेयर कटिंग का, चैनल पे आप चेक कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, बाकी मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा इसमें, कैसे कैसे क्रिएट कर रखा है, लाइक दोबारा से ही क्रिएट करके दिखाऊंगा ये मैं आपको। और फोटोशॉप का बहुत दिन बाद ट्यूटोरियल आया, क्योंकि यार बहुत लेस बंदे इंटरेस्टेड रहते हैं फोटोशॉप के ट्यूटोरियल्स पे, लाइक अराउंड 50 से 60 लोग ही देखते हैं, लेकिन पिक्सआर्ट में बहुत सारे बंदे हैं जिनको चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने डाल दिया। और ये वाला ट्यूटोरियल पिक्सआर्ट में भी अवेलेबल होगा, सो इसकी वरी ना करें, और PNGs भी सारी मिल जाएंगे आपको। सो स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल के साथ सबसे पहले, और यहाँ मैं इसे कर देता हूँ लाइक न्यू। सो ये स्टॉक था जो मैंने क्रिएट कर रखा था। ठीक है, तो इसे डबल टैप करके ओपन कर देता हूँ मैं। ठीक है, और इसको सेव एज JPEG में PST और सैम्पल। ठीक है, तो इसको सैम्पल नाम से, और ये BG है, और ये BG मैंने मारिया सिटी से निकाला है, ये इनका नाम है जो भी है, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा ये। सो इनका बैकग्राउंड है ये। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बहुत ही कम कम चीज़ें यूज़ कर रखी हैं, लाइक अभी मैं सारी चीज़ें बंद कर देता हूँ एक बार, मुझे भी आइडिया पड़ जाए कि क्या क्या हो रखा था, और मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा, कोई स्किप नहीं होगा। सो यहाँ ये हेज है, जस्ट अगर मैं इसे ड्रैग ड्रॉप करके भी दिखाऊँ आपको, तो ये सिंपल सी हेज है। अगर मैं इसे आइसोलेट कर दूँ एक बार, तो आप देख सकते हैं ये सिंपल हेज है और कुछ नहीं है, और इसे आप इंक्रीज कर सकते हैं जहाँ तक करना है, और आप रख सकते हैं। ठीक है, तो हेज का इतना बड़ा पंगा नहीं है, कुछ भी आप अच्छे से कर सकते हैं। सो ये आइसोलेट लेयर है, और ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। फिर उसके बाद जो मैंने यहाँ रखा है वो है बर्ड्स। सो बर्ड्स का लॉजिक क्या था यहाँ पे, मैं इसे भी ड्रैग ड्रॉप कर लेता हूँ एक बार। सो बर्ड्स का यहाँ लॉजिक था ये जस्ट पुट करने का, और लाइक पीछे अच्छे से एक लाइक लीडिंग लाइंस ये क्रिएट हो जाती हैं इससे, मतलब एरो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से गाइड करके, कलर डिफरेंट चुन लेता हूँ। सो अगर मैं ऐसे चेक करूँ तो मेरी फ़ोटो इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो सारी चीज़ें इस डायरेक्शन में जा रही है, तो मेरा मॉडल भी इधर की साइड फेस पे होना चाहिए। सो इसकी वजह से यहाँ मेरे को जस्ट क्रिएट करने में बहुत ईजी था, और भाई का हैंड कुछ यहाँ पे था, सो यहाँ पे हैंड सही से रहा, तो वही चीज़ है, आपको डायरेक्शन देखनी होगी कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए भी बर्ड्स मैंने इस डायरेक्शन में उड़ते हुए लिए हैं। ठीक है, और ये PNG है जस्ट मल्टीप्लाई, अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो आप देख सकते हो ये सिंपल एक PNG है और कुछ नहीं है, ऐसे ही है, और मल्टीप्लाई करते के साथ ही आप ऐसे चेंज कर लोगे। ठीक है, फिर उसके बाद है इम्पोर्ट करना अपने मॉडल को, तो मॉडल इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं। सो मॉडल इंपोर्ट कर दिया है यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा। ये कुछ अजीब सा हो रहा है इसमें।
यहाँ ये अब सही से इम्पोर्ट हो गया जैसे उसमें था। हाँ कुछ कुछ वैसा ही है, थोड़ा सा और ऊपर आए हैं भाई। जूम कर देता हूँ मैं थोड़ा। हाँ अब परफेक्ट लग रहा है नाउ, परफेक्ट। लेकिन इसमें कैसे था, कोई नहीं इतना तो चलता है। ठीक है टिक कर देते हैं यहाँ पे, बाकी चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं। सो इसके बाद मैंने ह्यू सेचुरेशन डाला है और डल करा है, और यहाँ ब्लैक लेयर का थोड़ा सा मास्क है, तो यहाँ तक मैं करता हूँ अभी। सो यहाँ ह्यू सेचुरेशन लेनी है आपने, क्लिप करना है और सेचुरेशन डाउन करनी है कि बैकग्राउंड और फोरग्राउंड मैच हो जाए। तो यही होता है डार्कनिंग फोटो जो मैं करता हूँ अपने फोटोज़ में। ठीक है, और यहाँ से हल्का सा आप डार्क भी कर सकते हैं जो आपके हिसाब से सूट करे। फिर उसके बाद एक नेक्स्ट ले लेता हूँ मैं, दोनों एक ही में कर सकता हूँ लेकिन मैं दो अलग लेता हूँ। सो उसके बाद मैं डार्क कर देता हूँ क्योंकि जो लाइट है वो इधर से फॉल ऑफ हो रही है, तो मुझे देखना पड़ता है कि किस साइड से आ रही है लाइट। ठीक है, और यहाँ पे आप इजीली मास्क कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक ड्रामेटिक शेडो सी क्रिएट हो गई है और जो हेल्प करेगी। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ब्रश लिया और जस्ट ब्लैक कलर सेलेक्ट करा, अगर नहीं है तो ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ मतलब सारा टेंशन नीचे हाथों पे जा रहा था, तो अगर मैं इसको सॉफ्ट ब्रश कर लेता हूँ एक बार। स्मूथिंग डाउन कर दो। सो यहाँ ये सही हो गया है, इतना ही चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सो आप देख सकते हैं इतने में परफेक्ट हो गया है वो नीचे का। फिर उसके बाद मैंने इसमें कर रखा है कलर लुकअप, कर्व्स और ये ग्लो। ठीक है, कलर लुकअप लेता हूँ मैं यहाँ से, नाइट फ्रॉम डे। इसको लाइक ओपेसिटी दे देता हूँ मैं 62 की, परफेक्ट थी इतनी। और यहाँ से कर्व से डाउन कर दो आप इसे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अब एक नाइट सा लुक क्रिएट हो गया है, और ये पूरी फोटो डे में थी अगर मैं ऐसे कर दूँ तो ये नाइट और ये डे। सो इतना ही फ़र्क होता है, और अगर आप यहाँ तक पहुँच जाते हो तो फिर कोई फ़ोटो में आपको प्रॉब्लम आती ही नहीं है। उसके बाद अब ये ग्लोइंग का है जो भी है, मैं एक जगह करके दिखाऊंगा, फेस पे हैंड वाला नहीं करूँगा मैं। सो यहाँ ये वेन्स इंपोर्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, वेन्स हैं जस्ट PNG है और कुछ है नहीं, था थोड़ा सा अच्छे से अलाइन, हिट ओके। ठीक है, जब आपको सेटिस्फाइड हो जाओ, और ये PNG एक्स दिखेगी नॉर्मल ये है। ठीक है, कहीं आपको लगेगी कुछ और है, आपको बस मल्टीप्लाई मोड में लेके आना है और फिर मास्क करके जहाँ जहाँ फैदर है वहाँ तक लेके आना है। ठीक है, अब मैं इसे कर लेता हूँ ग्रुप कमांड जी दबा के, और फिर इसके बाद यहाँ पे एक लेयर और उसको कर लो आप ओवरले। ठीक है, और ब्रश लेके जस्ट अभी वाइट कर दो वहाँ पे जहाँ आपको ग्लो चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे आओ और फिर जो भी आपको कलर चाहिए हो कि लाइक मुझे इसी कलर में करना है। सो कुछ ऐसा ही कलर होगा, अगर अगर मैं कुछ दूँ इस टाइप का तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, और फिर यहाँ से फिर से मुझे ओवरले में जाना है। अब जो मैं कलर पेस्ट करूँगा यहाँ पे वो ग्लो टाइप सा दिखेगा थोड़ा, तो आप देख सकते हैं यहाँ अभी ग्लो अचीव नहीं हुआ है परफेक्टली, लेकिन ग्लो अचीव होगा। यहाँ आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्लेंडिंग मोड क्या क्या वर्क कर रहे हैं, तो आप इसी के साथ प्ले एंड थ्रो करके आराम से इजीली अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला ओवरले रहता है और इसे कम कर दो आप। ठीक है, फिर उसके बाद आपको आना है विविड लाइट।
विविड लाइट से वो वेन्स लाल कलर की हो जाएंगी और कुछ नहीं होता इससे, और थोड़ा रियलिज्म ग्लो आ जाता है इसमें, और फेस के भी अराउंड कर दें आप थोड़ा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको हार्ड लाइट, फिर एक लीनियर डॉज के थोड़े से पॉइंट्स कि वहाँ पे अच्छे से ग्लो हो जाए, और फिर उसके बाद एक पेन लाइट एट दी एंड में। पेन लाइट भी उसी कलर की होनी चाहिए थी, और यहाँ लॉस्ट हो गया मेरा वो कलर, थोड़ा सा नहीं होगा। तो पेन लाइट्स आप देख सकते हैं, वो एक रेडिश स्टोन होती है वो आ गई है स्किन की, और जो मुझे चाहिए थी, ठीक है, और इतनी परफेक्ट है मेरे लिए। अब उसके बाद मुझे यहाँ पे काम इस पे ज़्यादा नहीं करना है, बस जस्ट यहाँ पे एक लेयर मास्क डालूँगा मैं, और फिर जहाँ जहाँ तक मतलब अगर बाहर आ रही है चीज़ें तो वो अंदर कर देना है, आईज़ पे जा रही है ज़्यादा तो वो अंदर कर देना है, जस्ट एक अच्छा सा लुक क्रिएट करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये आईज़ पे जो था तो ये भी PNG थी, और इसे फ्लिप कर देता हूँ, ओवरले जैसे करोगे वो परफेक्ट वहाँ फिट हो जाएगी अपने आप, और कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ ईयर पे एक टैटू बनाया था भाई के, वो भी बता देता हूँ मैं आपको कैसे बनेगा। तो यहाँ अपने बस ब्रश लेना है और यहाँ पे कुछ भी लिख देना है जो भी आपका है, लाइक थोड़ा डिफरेंट ब्रश। सो आप दूर करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे लाइट्स ड्रॉ करके दिखा देता हूँ मैं, लाइट्स कैसे ड्रॉ करनी है, बहुत ही इजी तरीका है यार, और कुछ इतना होता है नहीं, पता नहीं क्यों नहीं समझ रहा था आप सबको। जस्ट एक ब्रश लो और चालू हो जाओ, ठीक है। रिम लाइट ड्रॉ करना यार बहुत ही इजी काम है, और सबसे इजी लगता है मुझे इस टाइम पर। ठीक है, आराम से आप ड्रॉ करो, कोई चिंता मत करो कि गलत तो बन रही है सही बन रही है, अभी कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे इतना भी, ठीक है। अब मुझे इतना आइडिया हो गया है कि मैं बिना लाइट के भी रिम लाइट ड्रॉ कर लेता हूँ, सो आप ट्राई मत करना ऐसा, जब आपको काम मतलब थोड़ा सही से हो जाए तब कर लेना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आप ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो यहाँ ऐसे हो जाएगी रिम लाइट्स ड्रॉ, इनकी जो रिंग्स की थी, ठीक है। अब उसके बाद इन्हें फैदर आउट कर लेना थोड़ा सा इरेजर लेके, ऐसे इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से, ठीक है। अब रिंग पे आके रिंग पे भी थोड़ा सा फैदर आउट अच्छे से, तो आप देख सकते हैं वहाँ वो परफेक्टली रिम लाइट बन गई है और कोई इशू ही नहीं आया। और एक मैंने यहाँ पे भी बनानी थी क्योंकि यहाँ पे तो मेन ही है, तो यहाँ बनाता हूँ मैं, इसके लिए
ब्रशी सॉफ्ट प्रेशर वाला चाहिए होगा। अभी इसे बंद कर देता हूँ, थोड़ा हैंग हो रहा है। अब सही है। कुछ ऐसे रखना, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे जो मेन लाइट क्रिएट होती है वो करोगे आप, कलराइज ले लेना और जस्ट स्टिक कर देना, और जो भी आपको कलर सही लगता हो वो उठाना है यहाँ से, लाइक पूरी ऑल द वे आप। जैसे ये कलर सही है, ठीक है, फिर इन्वर्ट कर देना और फिर धीरे धीरे पेंट। तो आप देख सकते हैं वहाँ अच्छे से कलर आ गया है चीज़ों का, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं हुई है। और इसे अच्छे से ब्लेंड करने के लिए यहाँ से अंडरलाइन लेयर स्प्लिट कर देना थोड़ी सी, ठीक है। अब आई के लेंस जो होते हैं वो कैसे बनते हैं वो भी देख लो। से यहाँ टिक, स्ट्रोक और 5 सही रहेगा शायद, हाँ। और डीसेलेक्ट कर देना है बस। उसके बाद मास्क, ब्रश एक्स, छोटा ब्रश, और जस्ट हल्का हल्का रिमूव कर देना। वो आई लेंस आपके रेडी हो गए, ठीक है। अब उसके बाद इसमें थोड़ी सी अगर कारीगरी आपको दिखानी है तो आप हल्के हल्के डॉट्स क्रिएट कर सकते हैं, जिससे वो आई लेंस चमकता हुआ लगेगा दूर से, लेकिन वो इतना भी अच्छा खासा लगता नहीं है। वो बाद में जब आप कलर ग्रेड करोगे तो वो लग जाएगा सही से, ठीक है। अब मैं इसे कलर ग्रेड करके दिखाता हूँ कि कलर ग्रेड आपने कैसे करनी है, ठीक है। मेन सारी चीज़ इसकी कलर ग्रेड में आती है, और इनमें रिवर्स कलर ग्रेडिंग चालू करनी पड़ती है थोड़ी सी, अगर मैं इधर से आता हूँ तो, ठीक है। रिवर्स से बहुत फ़ायदा रहता है इसमें, क्योंकि इसमें फ़ोटो को एक लुक अचीव हो जाता है अच्छा खासा। फिर उसके बाद इसमें आना है, और इसमें एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है कि आपका जो फेस का ग्लो है वो कैसा रहेगा। और थोड़ा लाल को हल्का डिम ना करें या इसको करें, हाँ ये सही है। सो कुछ ऐसा बनेगा आपका कलर ग्रेड के आफ्टर। और इस पे अगर आप और कलर ग्रेड का वो करेंगे थोड़ा एग्जांपल तो और सही बनेगा, ठीक है। और जैसे ये चीज़ है, अगर ये आपने क्रिएट कर दी है, ठीक है, अगर मैं इसे ऊपर लेके आऊँ तो इसी को आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, और इसी को यहाँ पे भी लेके आ सकते हो।
तो ये हैंड का ग्लो बन जाएगा। ठीक है, ये सिंपल एक ट्रिक थी और वो ग्लो लाइट वहीं से वहीं मैच हो गई है। सो इस ट्यूटोरियल को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत भाई आप सबका धन्यवाद, और स्टे ट्यून्ड और स्टे क्रिएटिव।